हम्मागणी दोस्तों, वेलकम टू वैशाली रसोई 99 में आपका स्वागत है। मैं आरती आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध मसाला बाटी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसे बनाना बड़ा ही आसान है। दोस्तों, आप लोगों को कचौरी समोसे बनाने में फिर भी टाइम लगेगा, पर ये बाटी बनाने में टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होती है। कहते हैं ना दोस्तों, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि बोले सो पकवान एक तरफ और राजस्थानी थाली एक तरफ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग मसाला बाटी। बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम आटा, और आटे के अंदर हम लोग में डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच करीब नमक, और आधी छोटी चम्मच से कम डाल देंगे यहाँ पे मीठा सोडा, और साथ में ही यहाँ डाल देंगे हम लोग आधी छोटी चम्मच अजवाइन, जिससे कि क्या है अजवाइन से बाटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बाटी पचने में भी सहायक होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रश करके डाला है अजवाइन, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। साथ में सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, और मिक्स करने के बाद में ही दोस्तों हम इसका एकदम टाइट डो लगा लेंगे, जिससे कि बाटी हमारी अच्छी बन के तैयार है। क्योंकि बाटी के लिए हमें हमेशा ही इसका आटा एकदम टाइट चाहिए होता है, जिससे कि बाटी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो हमारी। तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे आटा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से लग जाता है। और दोस्तों, ये बाटी की खासियत है कि ये बहुत ही जबरदस्त बनती है। इसे आप चटनी से खाइए या फिर दाल से कड़ी से खा सकते हो, नहीं तो दोस्तों सबसे बेस्ट आप लोग इसे चाय से भी खा सकते हैं नाश्ते के रूप में। ये बहुत ही जबरदस्त लगती है, इसे खाने में खाइए, डिनर में खाइए, या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है, और इसे हमने एक थाली से कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद में हमारी बाटी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दी है कढ़ाई, तो कढ़ाई में डाल दिया हमने राई आधी छोटी चम्मच, तेल गर्म हो गया था, और अब यहाँ पे डालेंगे 1 पिंच के करीब हींग, जिससे कि बहुत ही अच्छा मसाले में खुशबू आती है और इससे पेट दर्द भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हींग डाल दी है, और साथ में यहाँ पे 2 हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने आधी छोटी चम्मच ले ली है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच ले लेंगे नमक, और साथ में यहाँ पे दोस्तों हमने 4 आलू पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, और इसी तरीके से उसको मसल मसल के डाल देंगे आलू को। और ये देखिए, यहाँ पे हमने साथ में ही मटर भी बॉईल कर लिए थे आधे कप के करीब। अगर आपके पास में मटर हो तो आप भी उनको पहले भिगो लीजिए, फिर बॉईल करके आलू के साथ में डाल दीजिए। ये देखिए, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला हल्दी और नमक में हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग एक एक टुकड़ा अदरक का ले लिया, जिसे हम ग्रेट करके डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि अदरक के बिना स्वाद अच्छा नहीं आता है मसाले में, पर अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में बेसिक मसाले डाल दिए हमने, तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, आधी छोटी चम्मच पीसी हुई लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है, और साथ में यहाँ पे ले लेंगे हम लोग उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आधी छोटी चम्मच करी अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर ना हो दोस्तों, आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये अमचूर डाल दिया है, और दोस्तों इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए लास्ट में डालेंगे आधे छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप मसाला बनाएंगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट वो हमारा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसी मसाले से आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं, समोसे कचौड़ी भी बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मसाला। तो दोस्तों, आपके जो मन करे आप इससे आलू के पराठे बनाइए, समोसे कचौड़ी बनाइए, या फिर आप कोफ्ते बना लीजिए। पर अभी तो बनाएंगे मसाले वाले बाटी, क्योंकि उसका मसाला भी इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है, चलिए निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर, जो कि ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा होने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। दोस्तों, हमें जितनी बाटी का साइज रखना है उस हिसाब से हमें हम मसाले की गोली बना लेनी है बॉल्स, जैसे कि हमें आसानी हो बाटी बनाने में, नहीं तो दोस्तों ऐसे बहुत समय लग जाएगा हमें। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल हमने सारे यहाँ पे बॉल्स बना लिए हैं। तो चलिए इसे दूसरी थाली में ट्रांसफर कर देते हैं सारे बॉल्स को, और उसके बाद में हम लोग बाटी के जो बॉल्स तोड़ेंगे वो भी हम एक साथ में ही तोड़ के रख लेंगे, ताकि हमारी बाटी भी जल्दी से बनके तैयार हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बाटियों को तोड़ लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें बाटी इस तरीके से बनानी देखिए, है। इस तरीके से लोहे को फैला लेंगे दोनों अंगूठों से, और फिर बीच में इस तरीके से आलू के बाउल को रख देंगे, फिर इस तरीके से ऊपर से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये बाटी बहुत ही आसानी से बन जाती है दोस्तों, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसे बनाने में। ये देखिए, और बहुत ही आसानी से बन जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है दोस्तों। घर का काम करते करते हम इन बाटियों को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग सारी बाटियों को बना लेंगे, मसाले बीच में डालते जाएंगे, जैसे कचौड़ी में डालते हैं उसी तरीके से फैलाते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली बाटी बना करके भी।
आसानी से बन रही है दोस्तों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगी बाटी का टेस्ट कैसा है और कितनी आसानी से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के भी तैयार होती है। तो देखिए हमने सारी बाटियां बना ली है और यहाँ पे दोस्तों हमने ओवन को 10 मिनट पहले लो फ्लेम पे छोड़ दिया है क्योंकि हमारे इसमें भी हीट हो गई है, अच्छे से बाटी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हम लोगों ने इसे अब इसका केपर हटा दिया है और फटाफट से यहाँ पे हम सारी बाटी रखते जाएंगे इसमें। बाटी रखने के बाद में दोस्तों इसे उलट पुलट करते हुए हम सेकेंगे बाटियों को और फटाफट से बाटी हमारी बनके भी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे कर रखा है क्योंकि हमें इसे पहले थोड़ा अच्छे से सेक लेना है और फिर इसे वापस से 2 से 3 मिनट बाद में कहीं फटा करके चेक कर लेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे वापस से ताकि हमारी बाटी सिकने में आसानी हो। देखिए फटाफट से हमने यहाँ पे इसकी जगह भी चेंज कर दी है और अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे दोस्तों और उसी से हम बाटी सेकेंगे इसकी। ये बाटी दोस्तों 1.5 घंटे में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब भी दोस्तों ये बाटी बनने के तरीका आपको बता दूं कब समझ में आएगा ये कैसे गई हमारी बाटी, ये बाटी ऑटोमेटिक अपने आप फटने लग जाएंगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी बाटी बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम लोगों ये बाटी को सेक रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने बाटी सेक ली है। देखिए हमें इन्हें सेकने में ज्यादा समय नहीं लगा है, इसमें हमें लगा है 40 मिनट के करीब क्योंकि हमने लो फ्लेम पे सेकी सारी बाटी हुई। देखिए अभी भी हम सेक ही रहे हैं, अरे मसाला देखिए निकल हमारा तैयार हो चुका है बाटियों के अंदर, कितने अच्छे से फट चुकी है देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बाटियां सिक चुकी हैं। क्योंकि तो दोस्तों अगर आपको लगे कि बाटी थोड़ी कच्ची है या कुछ भी तो आप लोग बाटी को बनाने के बाद में और इसे केप लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे से सिक जाएगी। और हमारी बाटी यहाँ पे सिक चुकी है, हमने हाथों हाथ से निकाल ली थाली में। तो चलिए चलिए गर्म बाटियों पर ही अब देसी घी लगा लेते हैं दोस्तों। आप चाहो तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे सीधे ही बाटी पे घी लगा कर भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बन के तैयार हुई है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इस पे घी लगा लेते हैं सब बाटियों पे। दोस्तों आप इस बाटी को कड़ी से, चटनी से, दही से, रायते से, किसी से भी खाइए, बहुत ही जबरदस्त लगती है। साथ में आप इसे नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बाटियों पे घी लगा दिया है अच्छे से और अब हम हमारी थाली तैयार कर लेते हैं राजस्थानी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थाली बन के तैयार हो चुकी है हमारे यहाँ पे बाटियां। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाटियों पे घी लगा लिया है और यहाँ पे हमने ले ली एक थाली और थाली में रख देंगे अब हम बाटियां। तो यहाँ पे मैंने बाटी रख दी है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हमारी थाली बन के तैयार है। तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसे लगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो नए हो। और कमेंट में जरूर बताएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के लिए कौन सी लेकर आऊँ। तो देखिए साथ में दोस्तों बाटी के हमने यहाँ पे बूंदी का रायता ले लिया है, टमाटर की चटनी है, साथ में लड्डू ले लिए, नारियल के पापड़ लिए है और हमने ले लिए यहाँ पे कटे हुए प्याज। और ये देखिए बिल्कुल राजस्थानी हमारी थाली है बिल्कुल तैयार। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी में मैं कौन सी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।